The Secretary of Industry and Commerce Department, Kiran Giri, has revealed that the Union Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises has allocated ₹65.17 crores for the advancement and enlargement of MSMEs in Tripura for the fiscal year 2024-25 under the RAMP, RAMP program. This initiative aims to identify and train 32,000 educated unemployed youths over the next 3 years to foster the development and expansion of micro, small and medium industries. Giri highlighted the program's objective of nurturing industrial entrepreneurs and marketing skill among the state's unemployed youth. He also mentioned the successful Northeastern Investment Summit held in New Delhi on March 6, where 14 MOUs worth ₹1,861.51 crores were signed, leading to ₹29.85 crores already invested by six investors in Tripura. Additionally, 57,114 individuals have registered under the Udyam scheme as of March 31st. Important corporation is Tripura Tea Development Corporation, जिसमें जैसे अभी सेक्रेटरी सर ने बताया था कि ई ऑक्शन सेंटर हमारा इस साल शुरू वो इनॉग्रेशन हो गया है. इसका प्रोसेस शुरू हुआ है एंड सम सेलेक्शन एंगेजिंग ऑफ ई ऑर्गेनाइजर फॉर ई ऑक्शन वो प्रोसेस में है, वो होने के बाद ये शुरू होगा. इसके अलावा TBBC के तरफ से ब्रह्मकुंडा टी प्रोसेसिंग फैक्ट्री को एक मॉडर्नाइजिंग का प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसमें NEC से हमें 2.03 करोड़ का अमाउंट मिला हुआ है. देन माचमारा टी एस्टेट जो है, जो बहुत पुराना वाला है, उसको भी रेनोवेशन करने का ये एक मिनी टी प्रोसेसिंग फैक्ट्री वहाँ पे लगाने का प्लान है विद 2.27 करोड़, इसको TIDC कर रहा है. एंड टी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक टी मैनेजमेंट कोर्स भी करने का प्लान कर रहे हैं, MEB यूनिवर्सिटी के साथ इसको कोलैबोरेट करके प्लान करने के लिए कर रहे हैं. तो ये सब हुए हैं हमारे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मेजरली जितना भी अचीवमेंट्स. कैला शहर से शुरू करके कमलपुर, खुवई, सागर बाजार और सबरूम तो है ही, तो ये जो वेस्टर्न पार्ट है इसमें अगरतला, डुगली, बदरगाह, बुचुंगरी तो हमारे पुराने इंडस्ट्री सेट्स हैं. तो ये जो चार जगह हमने अभी चिन्हित किया है, एक है खोवई में, एक है सिपाहीजला में, हम लोग कुछ लैंड टी गार्डन से हमने मांगा है, वो हमें मिलने की उम्मीद है. शांति बाजार में हमें लैंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अभी फिलहाल में वो NOC दिया है और सबरूम में SEZ है. तो नेशनल हाईवे के ऊपर नए इंडस्ट्रियल स्टेट करने का ये डिपार्टमेंट का बड़ा निर्णय है. इस अगले 3-4 साल में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये नए इंडस्ट्रियल स्टेट चालू हो जाए. ऐसे ही अम्बासा में जहाँ से रेलवे जा रही है और जहाँ से अभी अगरतला से चंपक नगर प्रोसीजर एखे सबाई के बुझाना हो अनेक मुझे क्वेरी छिलो कतो समय लागबे, कतो परमिट लागबे, कोथाय की फीस भरते हुए अनेक इखाने सुविधा ऑनलाइन करा गेले सुविधा होबे. आमार मने होय जे चट्टग्राम एवं अशोकगंज पोर्ट दिए जे आमदार रप्तानी एटा कोई दिन मध्ये शुरू होबे. तो आमी आमादेर डायरेक्टर इंडस्ट्रीज विश्वश्री मैडम के बोलबो, एकटू डिटेल मध्ये उनी बोलबे. थैंक यू. Thank you.